जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियोस में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, इसके बारे में कंप्लीट जो भी यूनिट है आपके ऑल इन वन हम एक मैराथन क्लास में देखेंगे। हर एक पॉइंट्स को टच करेंगे, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पूछा जाता है, कैसे इसका आंसर लिखना है। मतलब ओवरऑल एक रिविजन क्लास के तौर पे इस वीडियो के हर एक पॉइंट्स को कवर अप करेंगे इस सब्जेक्ट के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपके एग्जाम्स के समय आपका रिविजन हो जाए। अगर आपके पास समय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में देखते हैं एग्जाम्स के बाद या नए बच्चे, तो उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप डीपली पढ़िए, वन बाई वन वीडियो से पढ़िएगा रिविजन के हिसाब से कि पूरे विषय में आपको क्या पढ़ना है। एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन ऑल इन वन मैराथन के तौर पे ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके शुरू करेंगे सबसे पहला पॉइंट से, वो है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है भाई? शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान वास्तव में दोस्तों, मनोविज्ञान किसी बालक के, किसी मनुष्य के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, किस व्यक्ति कैसा सीखता है, कैसा आचरण करता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, इन चीज़ों के जानना मनोविज्ञान को कहते हैं। मन का विज्ञान, किसी के मन की शक्तियों को जानना, मन को जानना, उनके व्यवहारों को जानना, यह मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब इन मानवीय व्यवहारों के अध्ययन का शिक्षा में शामिल करना। अब मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, उस बच्चे के व्यवहार करने की प्रवृत्ति क्या है, अगर इस चीज़ के हमें जानकारी ना हो तो हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं, और वास्तव में दोस्तों यही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, आप आसान से शब्दों में इसको लिखिए, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ, मनोवैज्ञानिक मान्यताएँ, इनका शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आइए जरा कुछ किताबी भाषा देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों का योग से बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक है कि शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है भाई? मनोविज्ञान है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब आइए मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में देख लेते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगोस। साइक का मतलब अर्थ, आत्मा है, जबकि लोगोस का मतलब अध्ययन है, मन, आत्मा, व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान है। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय, आपके मन के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय है। मन के विज्ञान को जानना ही क्या करता है दोस्तों, मनोविज्ञान कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रही बात? समझते हुए चलना है, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव के व्यवहार का अध्ययन है, मनुष्य के भीतर होने वाली मानसिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन मनोविज्ञान का अध्ययन का आधार है। मानव व्यवहार प्रकृति और अर्जित दोनों है। मानव व्यवहार प्राकृतिक और अर्जित, मतलब नेचुरली भी कुछ अपने बिहेवियर्स होती है और कुछ बिहेवियर हम समाज से सीखते हैं, इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत दोनों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है कि बच्चा बाहर से कैसे सीखेगा और बच्चे के खुद का आंतरिक गुण कैसे, जैसे उसके माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुण। तो मनोविज्ञान में हम दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, याद कर लीजिएगा। जो आपको आसान लगे उसको जरूर लिख लीजिएगा, और मनोविज्ञान से सवाल आपको पूछेगा ही, आप इस बात को निश्चिंत हो जाइए। कल अगर आप पेपर देने जाते हैं तो जरूर आपसे मनोविज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो परिभाषा आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। सारे वो टेलफोर्ड ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वो अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और वैज्ञानिक खोज के विषय विशेष रूप से संबंधित है। तो ये हो गई शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और परिभाषा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, व्याख्या करता है। ठीक, स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, कि कोई बालक शैक्षिक विकास कैसे करता है, उसका सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये वो सारी आसान से शब्दों की परिभाषाएं होंगी, इसको आपको याद कर लेना।
शिक्षा मनोविज्ञान से बस इतना समझिए कि बालक के व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बस इतना समझिए दोस्तों कि उसके विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, इतना तो हम याद ही कर सकते ना कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार आप आराम से लीजिएगा, स्टीफन ने इस बात को कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसलिए मैं आपको आसान परिभाषा यहाँ पे दे रहा हूँ कि एग्जाम समय में आपको आसानी से याद हो जाए। और याद रखिए कम से कम 3 परिभाषा आप जरूर याद करके आइए, पेपर में इनको लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू फलाना, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, एग्जामिनर कहेगा वाह ये तो वो बच्चा है जो 365 दिन पढ़ के आया है, बाकी आपको बखूबी पता है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं देख लेते हैं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं भी आपको जैसे लॉन्ग आंसर में पूछ देता है ना कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो लॉन्ग में आपको क्या करना है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ आपने लिख दिया, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं लिख दी, कुछ पॉइंट शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं पर डाल दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहारों को दर्शाता है, क्यों, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार समझकर उसके अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति, इसकी प्रकृति कहती होती है, वैज्ञानिक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये चुनाव करना होता है कि हम किस विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस नियम से पढ़ाएंगे, किस सिद्धांत से पढ़ाएंगे, इस चीज़ को जानना होता है। हमें ये भी जानना होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक और विशेषता होती है कि हमें बालक के व्यवहारों का अध्ययन करके उसके अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करना होता है, उसके अनुसार शिक्षण सामग्री का चुनाव करना होता है, उसके अनुसार पाठ्य पुस्तक का चुनाव करना होता है। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। ये सारी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएँ होंगी। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाने में सक्षम है। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि बालक व्यवहार कैसा है, कैसा रहना चाहिए, इसके लिए एक सकारात्मक विज्ञान भी है। ठीक है, ये हो गई बात शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं में, 2-4 पॉइंट आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अगर और भी बात करें दोस्तों तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान के जोड़ने की कड़ी है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध सीखने से है, व्यवहार के परिवर्तन से है, व्यवहार के सुधार से है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि बच्चे जन्म से पहले कैसे होते हैं, उनका विकास होता है, उस चीज़ों को भी हम तो जन्म से पहले की उनके बारे में अध्ययन करना हम शुरू कर देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण में किया जाता है। ये हो गई बात शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं की। अब आइए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या, उद्देश्य में सेम वही चीज़ें आएंगी, क्या है भैया उनके शिक्षा मनोविज्ञान की अगर आपको जानकारी रहेगी। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में करते क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता किसके अंतर्गत आता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिसके सबकी, मान लीजिए सबकी बुद्धि एक समान तो नहीं होती, सबके सोचने की क्षमता तो एक समान नहीं होती, कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। तो हम के इनके इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ के उस आधार पर पढ़ाएंगे तो हम क्या करते हैं भाई, बालकों के प्रति निष्पक्ष तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। वांछित विधियों एवं शिक्षण सामग्री के चयन में सहायक होता है। छात्रों के व्यवहार संबंधित अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, और आपको उपयुक्त जानकारी मिल जाएगी आपको अधिगम से संबंधित कि कौन सी विधि और कौन सी युक्तियों के साथ पढ़ाना है, तो ये उसके शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ और पॉइंट है यहाँ पे हम आ जाते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच का संबंध। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच का संबंध क्या है, तो आप आसान से शब्दों में लिखेंगे मनोविज्ञान क्या है भाई, व्यवहारों का अध्ययन है, और शिक्षा क्या है, व्यवहार में उसको लागू करना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया है। तो वास्तव में दोस्तों वर्तमान में शिक्षा प्रभावशाली को उपयोगी बनाने के लिए मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक है, क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, व्यवहारों का अध्ययन करता है, और शिक्षा दोस्तों उस अध्ययन के उपरांत, उस रिसर्च के उपरांत बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका एक और विशेषता ये दो कि चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षा हो, या शिक्षा मनोविज्ञान हो, ये किसके केंद्र पे काम करता है, ये बालक के केंद्र पे काम करता है। तो ये बालक के केंद्र पे काम करते हैं और इनका पूर्ण रूप से उद्देश्य क्या है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये हो गई बात शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों की। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित है। दोनों का केंद्र बिंदु कौन है भाई, व्यक्ति है, यानी कि मानव है। ठीक है, वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव के गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव के अनुभूति और व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है। अब जो विश्लेषण किया मनोविज्ञान ने, उस विश्लेषण को शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार के उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करता है।
और मानव व्यवहार में जो ये परिवर्तन करता है वो किसके आधार होगा? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों के आधार पर और सुनिश्चित परिणामों के आधार पर वो होता है। इस तरीके से शिक्षा और मनोविज्ञान परस्पर एक दूसरे से क्या है भाई, संबंधित है। तो मनोवैज्ञानिक मानव के व्यवहारों को परिवर्तन करेगा और जो तथ्य निकालेगा, जो सिद्धांत निकालेगा, जो नियम निकालेगा, उस नियम के आधार पर शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, ये हो गई बात इन दोनों के घनिष्ठ संबंध की। मनोविज्ञान के शिक्षा संबंधित महत्व को स्वीकार करते हुए पेस्लॉजी, ये तो मेरे मतलब फेवरेट मनोवैज्ञानिक लिखते हैं कि शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अभाव में संभव नहीं हो सकता। किसी बच्चे के मन को जानना, किसी बच्चे के मस्तिष्क को जानना तभी पॉसिबल है जब आपके पास मनोविज्ञान का अध्ययन हो, मनोविज्ञान की जानकारी हो। चलिए, पेस्लॉजी एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो कि स्कूली शिक्षा के विरोध में रहे हैं। इनका मानना है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो प्रकृति में देनी चाहिए, स्कूल से बाहर यानी कि वातावरण में उनको शिक्षा देनी चाहिए। मुझे अभी इनको पढ़ना है, पढ़ना बाकी है, जब मैं पढ़ूंगा तो एक स्पेशल वीडियो इनके बारे में, लेकिन इनके 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 वाक्यों से मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ पेस्लॉजी के। अब आइए, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ हैं। अब मान लीजिए किसी के व्यवहार को जानना है, किसी के मन को जानना है कि तो कुछ विधियाँ हैं दोस्तों, जैसे अंतर निरीक्षण विधि या अंतर दर्शन विधि, बाह्य निरीक्षण विधि या बाह्य दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, कथा वर्णन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार प्रश्नावली, सांख्यिकी, उपचारात्मक परीक्षण और मनोविश्लेषण, ये तमाम विधियाँ हैं दोस्तों। इसमें से कुछ मुख्य विधि हैं जो कि आपसे कई बार सवाल उनसे पूछ लेता है। ठीक है, ये बस आपकी जानकारी की बता दूँ, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे सिलेबस में पूरा नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको बार बार पूछा जाता है, जैसे पहला है दोस्तों अंतः दर्शन विधि। अंतः दर्शन में आप देखेंगे दो शब्द है, अंतः मतलब अंदर, दर्शन मतलब देखना। अंतः दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अंतः दर्शन तीन स्तर, व्यक्ति अपने मन का अंतः निरीक्षण करता है, उसका विश्लेषण करता है, मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या आता है भाई, खुद से अपने मन को हम समझेंगे कि मेरे अध्ययन में कहाँ कमी रह गई है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बर्ताव कैसा है लोगों के साथ। तो अपने मन को हम समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार लाएंगे। तो ये भी एक विधि है अपने मन को जानने की, तो इसका मतलब है अंतः दर्शन विधि। ठीक है, दूसरा दोस्तों अंतर दर्शन विधि की अगर हम गुण की बात करें कि इससे क्या फायदा है, इस पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने को समझने में समर्थ हो जाता है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन अंतर निरीक्षण द्वारा ही संभव है। जैसे दुख में किसी प्रकार का अनुभव होता है वह अंतर निरीक्षण द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो आप खुद से खुद को जान जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है कि खुद को खुद से जान। तो अंतर निरीक्षण विधि की सबसे बड़ी गुण ये हो गई। ठीक, अब क्या है, बाह्य निरीक्षण में क्या होता है कि हम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके व्यवहार के आधार पर, उसके बातचीत के आधार पर, उसके अध्ययन के आधार पर। तो अंतर निरीक्षण विधि के गुण एक तो ये भी हो सकते हैं कि खुद को खुद सबसे बेस्ट तरीके से जान सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, स्पष्ट तरीके से अपने आप को जान सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस समय पर, उस समय पर आप अपने आप को जान सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे इसके गुण हैं। इस पद्धति का बार बार एक प्रयोग करने से किसी व्यक्ति की विचार शक्ति बढ़ती है। इस विधि से दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मानसिक क्रियाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों अनुभव द्वारा हुए उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अंतर निरीक्षण विधि द्वारा मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ, और मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से हुआ, अंतर दर्शन अंतर निरीक्षण विधि का मतलब समझ रहे, खुद को जानना, खुद को समझना। तो ये हो गई बात अंतर दर्शन की। अब आइए जरा कुछ और पॉइंट देखते हैं, अंतरदर्शन विधि की आलोचना के बारे में देख लेते हैं। कुछ लोग आलोचना करते हैं, तो अंतरदर्शन विधि सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, जिनमें चिंतन की क्षमता है वही लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे साधारण तौर पर इसको नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के अंतरदर्शन का आधार पर सामान्यतः नियम निकालना उचित नहीं होगा। ठीक है, कि कोई व्यक्ति खुद के बारे में दर्शन करके अगर कोई बता रहे तो ये सामान्यतः उचित नहीं होगा। अब आइए बाह्य निरीक्षण, इसके बिल्कुल विपरीत है, इसको समझते हुए चल सकते। बाह्य निरीक्षण में क्या होता है कि निरीक्षण करने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों के आधार पर, उसके बात करने के तरीके के आधार पर, उसके जीवन शैली के आधार पर एक दर्शन करके, एक निष्कर्ष निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकालता है, उसके बारे में बताता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, उसके उसका व्यवहार ऐसा है, उसका अनुभव ऐसा है। तो इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है, और इसमें बाह्य रूप से जो कुछ उसे स्पष्ट दिखाई देता है उसका ही निरीक्षण किया जाता है, और उसी आधार पर उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाए। व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाया जाता है। तो बस समझते हुए चलिए कि बाह्य निरीक्षण क्या होता है,
बाह्य निरीक्षण में निरीक्षण करने वाला उसके व्यवहार के आधार पर निर्णय देता है। अब भाई अगला सवाल क्या है, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि मतलब आपने किसी प्रयोग करने के लिए दे दिया, कुछ कार्य दे दिया, वह वो कार्य कर रहा है, उसमें आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रहे हैं और आपने कहा कि ये करो, उसने ये काम किया, आपने तुरंत काम बदल दिया कि ये करो, तो आप देखेंगे कि जब आप काम बदल रहे हैं तो उसका कैसा व्यवहार है, कैसा वर्ताव है, आप उसको प्रैक्टिकली करके जान रहे हैं। तो जब हम कोई कार्य प्रयोगात्मक तौर पर हम उसको कार्य दे के हम फिर उसको जांचते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रयोगात्मक कार्य। अब प्रयोग करते समय स्वतंत्र चर को घटा बढ़ाकर कार्य करने वाले प्रभावों को नोट कर लिया जाता है। हमने कभी क्या किया, हमने कह दिया नहीं ऐसा करो वैसा करो, उसको हम कोशिश कुछ कार्य को घटा बढ़ा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है। उस आधार पर दोस्तों प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कर परिकल्पना की जाँच की जाती है। प्रयोगात्मक अध्ययन कम से कम दो अध्ययन समूह होते हैं जिनमें एक को नियंत्रित समूह तथा दूसरे को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। इस तरीके से हम प्रयोगात्मक विधि करें, प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल तौर पे आप उसको कुछ कार्य दे रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उस आधार पे आप निर्णय करेंगे यह व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। तो यहाँ तक हो गई दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपने क्या समझा, मनोविज्ञान क्या है, किसी बालक के या किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह प्रक्रिया है जो किसी बालक के व्यवहारों का अध्ययन करती है और उस आधार पर शिक्षण प्रक्रिया करती है। इसके फायदे या इसकी उपयोगिता भी समझ लीजिए, शिक्षण विधियों का चुनाव करना होता है आपको, बालक के मस्तिष्क को समझना होता है, बालक के व्यवहार को समझना होता है, बालक के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है, बालक को अधिगम कराना होता है, इन सारी चीज़ों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने विधि देखी, विधि में कई सारी विधियाँ थी, जैसे मुख्यतः अगर हम बात करें कई सारी विधि थी, जैसे ये इतनी सारी विधि थी। अब इस विधियों में कुछ जो मुख्य विधि थे, जैसे अंतर निरीक्षण विधि, जहाँ पे निरीक्षण करने वाला खुद अपने मन को निरीक्षण करता है, बाह्य मतलब उसके व्यवहार के आधार पर कोई दूसरा करता है। उसके साथ ही साथ आपने देखा वो था प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ये सारी अन्य विधियाँ हैं जो इसमें इन ये तीनों प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात, एक हो गई बात सारी आपकी इसकी विधि, यहाँ तक आपने देख लिया। अब आपको आगे कुछ और पॉइंट्स हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। तो याद रखिए एक सवाल आपको शिक्षा मनोविज्ञान से जरूर देखने को मिलेगा, तो खासतौर पर उसकी अर्थ और उसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा। ओहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या है, सीखना मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन, ही वास्तव में सीखना कहलाता है। आप सीधे यहाँ पे परिभाषा आज में आ जाए, उसके बाद देखिए हम समझते हुए चलेंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण। ठीक है, और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर यह भी समझिए कि अनुभव के कारण उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वही उसके कारण क्या था, सीखना कहलाता है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही सीखना कहलाता है। सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य प्रक्रिया है। तो जो व्यक्ति जितना सीखता जाता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। तो वास्तव में सीखना क्या है भाई, आप यूँ समझिए नवीन मतलब नए ज्ञान, नए संप्रत्यय, नए तत्वों का अर्जन कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। यहाँ तक समझ के अब आइए अधिगम को समझने में आसानी होगी। सामान्य अर्थों में किसी नवीन बात को सीखना अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना ही अधिगम है। देखिए जन्म लेने के पश्चात जो व्यक्ति है वो विशेष प्रकार के भौतिक सामाजिक वातावरण के साथ घिरा होता है। व्यक्ति विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक और सामाजिक वातावरण के अंदर होता रहता है, किंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ वातावरण के साथ संघर्ष या अनुकूलन करना पड़ता है। इस प्रकार अनुकूलन करने के लिए वो आयु के अनुसार प्राप्त अनुभव के आधार पर परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन लाना ही एक प्रकार का सीखना है। हम इस संसार में आते हैं, हम अपने समाज से, अपने भौतिक संसार से हम कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ अनुकरण करते हैं, हमारी जो जरूरतें होती हैं उस अनुसार हम ढालते हैं अपने आप को, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। वास्तव में यही परिवर्तन क्या कहता है दोस्तों, सीखना कहलाता है। अब अर्थ समझ के परिभाषा को ध्यान में रखिएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहारों में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में प्रगति से सामंजस्य की प्रक्रिया है। कुछ और देख लेते हैं भाई, क्रो ने कहा था सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन है। सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन द्वारा अभिव्यक्ति होता है। नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। वुडवर्थ, ये तो बड़ा आसान है, इसको याद कर लीजिएगा कि नए ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। अनुभव के आधार पर हमारे पूर्व निर्मित व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है। तो आपने देखा दोस्तों सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, सीखना कहलाता है। बहुत अच्छा, अधिगम की विशेषताओं की बात करें, अधिगम की कुछ विशेषताएं होती है भाई। अधिगम पहली चीज़ क्या है, अधिगम एक परिवर्तन है,
व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अधिगम जीवन भर चलता है, ठीक है, इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अधिगम सीखना विकास है भाई, सीखना जैसे जैसे इंसान सीखता रहता है विकसित होता है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों कोई आपको प्रमाण की जरूरत नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको वैद्य के बारे में सीखना है, किसी को इंजीनियर बनना है भौतिक के बारे में सीखना है, तो ये सीखना क्या है, सीखना एक उद्देश्य पूर्ण भी होता है, और सीखना दोस्तों समायोजन करना होता है, सीखने का मतलब समायोजन होता है, सीखना अनुभवों का संगठन है, ये सारी इसकी क्या है विशेषताएं ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये बात हो गई सीखने की। अब आइए सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर इफेक्टिव ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलेंगे। तो देखिए कुछ कारक हैं, बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीखने को प्रभावित, जैसे बालक के कुछ कारक हैं, शिक्षक के कुछ कारक हैं, विषय वस्तु के कुछ कारक हैं और वातावरण के कारक हैं, वन बाय वन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बालक से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, बालक का स्वास्थ्य कैसा है ये प्रभावित करेगा कि बच्चे कैसे सीखेंगे, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, दोस्तों सीखने की इच्छा है भी कि नहीं बालक की, वो इस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि बालक की ये सीखने की ये क्या है भाई, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सीखने का समय कि आप कब पढ़ा रहे हैं, सीखने में बच्चा कितना तत्पर है, विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमताएं, अब मान लीजिए कोई बच्चा मूलभूत क्षमता उसकी भूख लगी है और उसको भूख लगी और आप उसको सिखाने बैठे हैं, तो उसकी मूलभूत जो क्षमताएं हैं उसकी पूर्ति होने के बाद वो सीख सकता है। बुद्धि का स्तर क्या है, अब मान लीजिए फिफ्थ या सिक्स क्लास के बच्चे को आप बैठ के ट्रिग्नोमेट्री समझा रहे हैं, वो भी कैलकुलस उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ सीख पाएगा, तो बुद्धि स्तर, उसकी रुचि और अभिप्रेरणा का स्तर, ये बालक से संबंधित कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते मतलब सीखने को बढ़ा भी सकते हैं और सीखने को घटा भी सकते हैं, ये मतलब उसके सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षक से संबंधित विषय का ज्ञान, अब गुरु जी को कितना उसके बारे में ज्ञान है, उस शिक्षक को कितना इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं, ये भी प्रभावित करेगा। गुरु जी का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मान लीजिए बहुत गुस्से वाले गुरु जी हैं तो बच्चे कहाँ सीखेंगे। समय सारणी के निर्माण, किस समय पर कौन सी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है कि नहीं गुरु जी को। शिक्षण पद्धति, शिक्षण का व्यक्तित्व, अध्यापक का व्यवहार, पढ़ाने की इच्छा, विषय के प्रति निष्ठा, अभ्यास कार्य को दोहराने की व्यवस्था, बालक केंद्रित शिक्षा प्रबल और मनोविज्ञान एवं बाल प्राकृतिक ज्ञान, तो ये वो सारे फैक्टर और तथ्य हैं दोस्तों जो शिक्षक से संबंधित है और बच्चों को प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु का मतलब, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, ठीक है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, कैसी है। विषय वस्तु का आकार कैसा है, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता किस लिए पढ़ाई जाएगी, उसकी भाषा शैली लिखावट कैसा है। शिक्षण सामग्री मतलब जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, दिखा के पढ़ा रहे हैं। रुचिकर विषय वस्तु, तो ये वो फैक्टर हैं जो विषय से संबंधित है, बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण मतलब विद्यालय की स्थिति, विद्यालय ऐसी जगह पर जहाँ पे शोर शराबा लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे। कक्षा का वातावरण कैसा है, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से सीखेंगे। पारिवारिक वातावरण कैसा है बच्चे का, मान लीजिए घर में झगड़ा या फिर ये सब चीज़ें, तो बच्चों को सीखने पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। भौतिक वातावरण कैसा है, भौतिक वातावरण मतलब जो सब चीज़ें दिखाई देती हैं, कमरा कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, पार्क कैसा है, वातावरण कैसा है, पौधे पेड़ पौधे। सामाजिक वातावरण और विशेष सामग्री की प्राप्ति, मनोवैज्ञानिक वातावरण, बच्चे का मानसिक रूप से कितना वो परिपक्व क्षमता है, ये वो सारे वातावरण संबंधित कारक है जो बच्चे को प्रभावित। अब देखिए आपको चार पॉइंट समझ में आ, बालक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, पाठ्य वस्तु संबंधित, वातावरण से, इस चार पॉइंट बालक को प्रभावित करने वाले कारक पूछे, चार पॉइंट को लिखिएगा और इसके अंतर्गत जितने पॉइंट आज याद आए लिख दीजिएगा। शिक्षक कहेगा, कॉपी चेक करने वाले गुरुजी कहेंगे, वाह यही वो बच्चा है जिसकी मुझे तलाश थी, यही वो बच्चा है जो पॉइंटों को हेडिंग डाल के लिख रहा है और एग्जाम में आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा। गुरुजी भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। ओके, अब आइए एक सवाल आपसे पूछा जाता है, मिश्रित प्रणाली या फिर ब्लेंडेड लर्निंग या फिर ब्लेंडेड शिक्षा किसे कहते हैं। तो कोई एक ये औपचारिक शिक्षा साधन है, इसमें क्या होता है, पढ़ने पढ़ाने की जो विषय वस्तु होती है उसका कुछ भाग आप क्लासरूम में पढ़ा देते हैं, कुछ भाग वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ता है, इसको हम मिश्रित अधिगम कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। मतलब एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है, दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों से प्रयोग करता है। तो वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा हम देख लेते हैं, अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब क्या था, मोटिवेशन। चलिए जरा मोटिवेशन को देखते हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे भाई, मजा आ जाएगा आपको मोटिवेशन के बारे में जानने में। तो मोटिवेशन क्या है भाई, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन शब्द को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं अंग्रेजी में। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है उस शक्ति के रूप में किया जाता है जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करे अथवा अभिप्रेरणा दे। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ अभिप्रेरणा, जीव के क्रिया उत्पन्न करने वाले उन सभी उन कारकों को कहा जाता है
जो आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों प्रभाव डालते हैं। मतलब अभिप्रेरणा का मतलब वह क्रिया या वह कारक जो किसी व्यक्ति के अंदर वो प्रभाव डाले जिससे वो कोई कार्य करने लगे। अभिप्रेरणा का मतलब तो यही होता है ना, मोटिवेशन का मतलब तो यही होता है। कोई बच्चा खामोश बैठा है, किसी ने आया उसको उसको मोटिवेट किया कि क्यों बैठे हो खाली समय में, क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, उठो तुम लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो, क्यों निराश हो, क्यों हताश हो, उठो संघर्ष करो जीवन। मतलब मोटिवेट करते हैं बच्चा है, अल्लाह शक्तिमान बन जाता है, अल्लाह शक्तिमान बन के और तो पढ़ाई शुरू करें कह रहे हैं। मतलब दोस्तों मोटिवेशन का मतलब होता है, लैटिन भाषा में इसको मोटिव से लिया गया है, और इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर देना, कोई कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा दे देना। तो ये हो गई बात मोटिवेशन। मोटिवेशन करता क्या है, किसी कार्य को शुरू करा देता है या किसी कार्य को जारी रखने में आपको मदद करता है। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसलिए मोटिवेशन करके आप लगे पड़े हैं, ठीक है। ये हो गई बात मोटिवेशन के अर्थ की। इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा में क्या है भाई। परिभाषा में अब गिलफोर्ड ने, देखिए गिलफोर्ड ने इसे कैसे परिभाषित किया, इन महोदय ने, गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरक, गिलफोर्ड ने प्रेरकों की परिभाषा अपने शब्दों में इस प्रकार, कैसे, प्रेरक एक ऐसी कोई आंशिक अवस्था अथवा कारक है जो क्रिया को आरंभ अथवा जारी करने की प्रवृत्ति होती है। एक ऐसा कारक है जो या तो कोई क्रिया जारी कर दे या कोई क्रिया दोस्तों प्रारंभ करा दे, तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा दोस्तों व्यक्ति की वह अवस्था है एवं तत्परता है जो किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये दो मुख्य परिभाषाएँ हैं जो हमें और आपको क्या करना है भाई, हमें और आपको समझ के याद कर लेना है। अब इसकी प्रकृति देख लेते हैं, मोटिवेशन की प्रकृति क्या होती है समझते हुए चलेंगे। इसकी प्रकृति क्या थी भाई, इसकी प्रकृति अभिप्रेरणा की प्रकृति को हम समझते हुए चलेंगे। इसकी प्रकृति क्या, इसकी प्रकृति यह है कि यह एक परिणाम और प्रक्रिया दोनों है, या तो कोई परिणाम प्राप्त करा देती है या तो शुरू करा देती है, परिणाम और प्रक्रिया दोनों है। इसका जन्म किसी न किसी आवश्यकता के साथ हुआ है, या दोस्तों किसी व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक उसकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई हो। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं, जो मोटिवेट कर दे उसे अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है, जो काम हो रहा है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। अब मोटिवेट करने वाले दोनों हो सकते हैं, बच्चे को खुद से एहसास हो, जैसे हमको हमें कुछ करना है, हमें कुछ ये खुद से एहसास होना, ये आंतरिक अभिप्रेरक हो गए, और कोई बाहरी से आपको अभिप्रेरणा दे तो वो हमेशा क्या होता है, बाह्य होता है। लेकिन जो ऊर्जा और शक्ति होती है वो सदैव आंतरिक होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा सदैव क्या होती है, आंतरिक होती है। जो उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा वो हमेशा इंटरनल है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उत्प्रेरक जो मोटिवेट करते हैं वो इंटरनली भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। ये हो गई बात इसकी प्रकृति की। कोई भी व्यक्ति आंतरिक या बाह्य उत्तेजना से प्रभावित होकर ही अपने कामों को अंजाम देता है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा, उसके उस करने का कोई मन नहीं करेगा। तो ये कहने का मतलब बात हो गई अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में, ठीक है। विशेषताओं के बारे में बताइए भाई, विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं, अभिप्रेरणाओं की विशेषताओं के बारे में। व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा अत्यधिक महत्व रखते हैं। जीवन में कई जाने वाली रुचियों को पूर्ण अभिप्रेरणा द्वारा किया जाता है। अरे हटा दे, ओके। अभिप्रेरणा को अगर हम प्रकार की बात करें, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के मुख्यतः, पहला है सकारात्मक या आंतरिक, दूसरा नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। अब समझ गए, आंतरिक मतलब जिसको खुद से अभिप्रेरित हो, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब कोई बाहरी कारक है तो उसको अभिप्रेरित करे, ठीक है। मॉस्लो ने इसे दो प्रकार से विभाजित किया था, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। इसको इन्होंने दो तरीके से बांटा था। जन्मजात का मतलब भाई, जन्मजात अभिप्रेरक का मतलब कई इनबॉर्न मोटिव्स का मतलब क्या है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि भूख लगना, नींद लगना, सुरक्षा, या फिर जन्मजात प्रजनन सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जन्मजात हमारी हमें कोई कार्य करने के लिए मजबूर करती है। अर्जित का मतलब जैसे कोई अर्जित अभिप्रेरणा तत्पर मानव के वातावरण से जो कुछ भी प्राप्त हो वो अर्जित हो। तो जन्मजात का मतलब जैसे जो हमारी प्रवृत्ति है, जैसे भूख लगना, सोना, प्यास लगना, ये क्या अभी ये हमें मोटिवेट करता है। हमें प्यास लगने का मतलब हमें प्यास पानी पीने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें पानी पीना है, हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। और बाह्य का मतलब जो हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ये हो गई बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ तक बात हो गई दोस्तों अभिप्रेरणा की, यहाँ तक क्या बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई अभिप्रेरणा की। और दोस्तों दो टॉपिक, पहला शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा अधिगम, तीन टॉपिक, तीनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार सवाल पूछे गए, इस बार भी आपसे पूछ सकता है। आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। अगला दोस्तों देख लेते हैं व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक पर्सनालिटी को आप जैसे किसी के बारे में देख रहे हैं तो देख के आपको लगता है कि यार इसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, तो आप एक अनुमान लगा देते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके आकार
के अनुसार देखकर उसके बारे में अनुमान लगाना शायद गलत होगा। दिखने में हो सकता है अच्छा हो लेकिन अंदर से वो अच्छा नहीं हो। यहाँ इसका अर्थ उस व्यक्ति की विषय वस्तु को देखने के नजरिए क्या है, किसी विषय वस्तु किसी प्राणी को वो किस प्रकार देखता है, वो कैसे सोचता है। संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं को हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, व्यक्तित्व को समझ जाइए। व्यक्तित्व केवल हम ये कह दें कि देख के स्मार्ट है मतलब उसकी गजब पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी, ये गलत होगा। वह किसी और चीज़ को कैसे देखता है, उसकी नज़रिया कैसा है किसी चीज़ के प्रति, वो कैसा व्यवहार करता है, वो कैसा उसका व्यवहार है, इन चीज़ों को वह कैसा सोचता है, इन संपूर्ण चीज़ों को उनके संपूर्ण आंतरिक पहलुओं को अगर हम को हम ऑब्जर्व करें फिर हम बता सकते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, कि कोई भी व्यक्ति कि नज़रिया क्या है, वो किसी वस्तु को या किसी प्राणी को किस रूप किस प्रकार देखता है, कैसा सोचता है, संपूर्ण रूप से उसके आंतरिक पहलुओं को अगर हम पहलुओं को समझें तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो संपूर्ण रूप से किसी चीज़ को वो कैसे व्यक्ति देखता है, सोचता है, क्या उसकी सोच है, कैसा उसका व्यवहार है, उसके आंतरिक सभी पहलुओं को संपूर्ण योग करके तब हम कह सकते हैं कि वो उसके व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है। तो उसके आंतरिक सभी पहलुओं को व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह हुई बात व्यक्तित्व की। अब आइए जरा व्यक्तित्व के अर्थ को समझ लेते हैं। यही बात हो गई व्यक्तित्व की, ठीक है, सेम वही चीज़, ठीक है, व्यक्तित्व की। अब आइए व्यक्तित्व की परिभाषा को समझ लेते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा में देखिए दोस्तों कि इसकी परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार दी गई है, क्योंकि हम व्यक्तित्व को व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच एवं देखने का नजरिया उसका अलग है। आइए जरा परिभाषा को देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग है। किसी व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषताएं हैं और जो उसने बाद में सीखा, इन सभी का योग मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। यह रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को विशेष प्रकार के व्यक्ति के रूप में प्रदान करता है। ये किसने कहा था? मैड्रिक ने कहा था। यह व्यक्ति के अंदर उन मानसिक संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ऑलपोर्ट ने। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषा है, ज्यादा नहीं, व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा नहीं, कि कोई भी एक परिभाषा आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी एक परिभाषा आप याद कर लीजिए। तो अब आइए देखते हैं कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व अभी इस प्रकार है तो क्या वो फ्यूचर में बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो देखिए यह परिवर्तन होता रहता है क्योंकि व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये क्या है भाई, उसकी पर्सनालिटी बदल भी सकती है। यह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष पे बल दिया जाता है, आपके आंतरिक जो शक्तियां हैं उस पे बल देता है कि उसका अंदर से व्यवहार कैसा है। यह स्वचलित होता है दोस्तों, अगर कोई छुपाने की कोशिश करे तो छुपा नहीं सकता, यह स्वचलित होता है, इससे दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। व्यक्ति की पर्सनालिटी जो होती है उसके पर्यावरण और उसके वंशानुगत पर भी निर्भर करती है, उसका पर्यावरण उसके वंशानुगत पर भी निर्भर करता है। इन्हीं के द्वारा उसके मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। ये दोस्तों अमूर्त होता है, वास्तव में कोई साकार रूप नहीं होता। पर्सनालिटी हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मगर उसको छू नहीं सकते, तो ये एक अमूर्त रूप होता है। अगर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी व्यक्तित्व को अगर नापना है, किसी की पर्सनालिटी नापनी है, तो उसके लिए मापन की कुछ विधि है। पहला दोस्तों अप्रेक्षण विधि, दूसरा दोस्तों प्रेक्षण विधि, ठीक है। अप्रेक्षण विधि में तीन विधियाँ हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधि। तो पहले इन तीन विधियों को देख लेते हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि का मतलब जैसे किसी व्यक्तित्व को नापना हो, किसी व्यक्तित्व को जानना हो, तो जो व्यक्तित्व परीक्षण कर रहे हैं वो खुद अपने बारे में जा रहे हैं। जैसे इस विधि में व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षण द्वारा या उसके परिचित की सहायता से की जाती है। जैसे सॉरी, जो कर रहा है ना वो उसके खुद के परीक्षण कर ले या किसी परिचित की सहायता से कर ले। जैसे किसी व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना है तो आप खुद उसकी परीक्षण कर ले, उससे पूछ ले, उससे जांच ले या उसके किसी जानने वाले से जांच ले। जैसे इसमें कुछ पॉइंट है, जीवन इतिहास विधि, ठीक है, कि इतिहास में उसका जीवन कैसा रहा, उससे कुछ प्रश्नावली कर लें, ठीक है, या फिर साक्षात्कार देख के सीखें, या आत्मलेखन विधि, उसके जो लेखावक चीज़ें उसके द्वारा जाँच कर लें। तो ये हो गई दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि, उसके बारे में जान। वस्तुनिष्ठ विधि का मतलब, वस्तुनिष्ठ विधि, इस विधि को बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप नियंत्रित निरीक्षण करके देख के मापन रेखा, समझाति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, उसके शरीर के कार्यों को देख समझ के इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तीसरा क्या था दोस्तों? तीसरा था मनोविश्लेषण विधि, जिसमें निम्न दो विधियाँ हैं, स्वतंत्र शब्द सहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। तो केवल पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है, जैसे जीवन इतिहास विधि में हमने देखा, प्रश्नावली विधि में प्रश्न पूछ के करेंगे, साक्षात्कार विधि, आत्मलेखन विधि, ठीक है। नियंत्रित निरीक्षण विधि जो दूसरा टाइप था वो देखिए क्या होता है। इस विधि का प्रयोग मनोविशाली प्रयोगशाला के नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है।
इसमें परीक्षक व्यक्ति के विभिन्न क्रियाओं तथा आचरण व्यवहार का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व की परिभाषा को मूलतः मापी जाती है, मूलतः जानी जाती है। तो व्यक्तित्व की जो विधियाँ थी, विधियों में इस पॉइंट को हमें याद करना है। जैसे आइए फिर इस मैप पे चलते हैं, इस मैप से हम समझ सकते हैं। निरीक्षण विधि में दोस्तों ये व्यक्तित्व के मापन में जो प्रेक्षण विधि था, प्रेक्षण विधि का मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रयोगशाला के अंतर्गत उसकी कुछ विधियों के द्वारा, कुछ मशीनों के द्वारा हम इसको, उसके व्यक्तित्व को जानते हैं। अपरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठ विधि, मतलब उसको खुद से परीक्षण करके जो व्यक्ति को जानना या उसके सहसंबंधियों से पूछ के। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में उसे कोई क्रियाकलाप दे के या कुछ कार्य दे के हम उसको समझेंगे। मनोविश्लेषण विधि में उसके मन को समझने की कोशिश करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख के, उसको समझ के कुछ परिकल्पनाएं बनाएंगे हम, उसको हम कहते हैं मनोविश्लेषण विधि, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नापा जाता है, पर्सनैलिटी को नापा जाता है। तो यहाँ तक बात हुई पर्सनैलिटी की। बस सीधा साधा समझना दोस्तों, पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानना है, उसकी विशेषताएं जानना है, उसकी प्रकृति जानना है और उसके ये प्रकार जानना है। अभी इतना जान गए बहुत काफ़ी है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में और एक नंबर दो नंबर में आपसे सवाल पूछ ही देता है व्यक्तित्व के बारे में। तो अब आ जाइए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक हमें कर दीजिए। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता था मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, उसके क्रमागत अवस्थाओं की विशेषताएं, जिसे इसमें पूछा जाएगा जो विकास की तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था भी दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक बाल्य और उत्तर बाल्य, ठीक, और उसके बाद किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आइए देखेंगे मानव विकास की आवश्यकताओं के बारे में, अवस्थाओं के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। वो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों अभिवृद्धि और विकास, मतलब वृद्धि और विकास को आपको समझना पड़ेगा कि वृद्धि और विकास क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। फिर हम चलेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट शॉर्ट में देखते चलेंगे। पहला शब्द है दोस्तों वृद्धि और दूसरा शब्द क्या है, विकास। अब उदाहरण सीखिए, ऊंचाई, भार, चौड़ाई, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाती है। मतलब वे शारीरिक या मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप दोस्तों नाप, उस इस वृद्धि को नाप और तोड़ा जा सकता है। वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय किए जाते हैं, किंतु मनोविज्ञानी के अनुसार कुछ अंतर होते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग समानतः शरीर के उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि से किया जाता है। अभिवृद्धि का मतलब दोस्तों, वृद्धि का मतलब जिसके परिवर्तन को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे बालों की वृद्धि हो गई, लंबाई की वृद्धि, आपके वजन का बढ़ जाना, तो इन चीज़ों को हम अभिवृद्धि कहते हैं। विकास का मतलब किसी पक्ष का विकास हो जाना, जैसे मानसिक पक्ष का विकास हो जाना, शारीरिक पक्ष का विकास हो जाना, तो इसको आप माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते। कोई व्यक्ति मान लीजिए पहले कम सोचता था, अब ज़्यादा सोचने लगा, तो आप उसको कैसे मापेंगे। विकास का अर्थ देखिए, विकास का अर्थ क्या है, विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शारीरिक अंगों होने वाले परिवर्तन का विशेष रूप से व्यक्त करता है। जब बालक की हड्डी आकार बढ़ती है तो वो बालक अभिवृद्धि है, जबकि हड्डियों की कड़ी हो जाने के कारण उनके शरीर में परिवर्तन आ जाता है, यह विकास को दर्शाता है। बालक की लंबाई का बढ़ जाना, यह उसकी वृद्धि है, लेकिन लंबाई और वजन के साथ साथ वो मैच्योर और परिपक्व हो जाता है, वो एक विकसित हो जाता है, तो इसका विकास हो गया। लंबाई में बढ़ना वृद्धि है और विकास, अच्छा विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आ जाता है, तो विकास का ही एक भाग क्या है भाई, वृद्धि है। यह हो गई वृद्धि और विकास के अंतर की बात। अब अभिवृद्धि और विकास के अर्थों की बात, अभिवृद्धि और विकास को देख लीजिए, फिर इसको हम फिर अब चलेंगे विकास की क्रमागत अवस्थाओं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर सवाल आपसे पूछ। अभिवृद्धि क्या है भाई, बाह्य रूप, वृद्धि जो होती है बाह्य रूप से दिखाई देती है, जबकि विकास क्या है, ये आंतरिक रूप से होता है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, विकास मान के किसी बच्चे की हाइट हमेशा तो बढ़ेगी नहीं, वो 24 साल या 20 साल के बाद क्या होता है, रुक जाता है। जबकि विकास क्या है भाई, जीवन प्रयत्न चलता रहता है, कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहता है। वृद्धि का संकुचित अर्थ यह विकास के अवयवों से ही एक है, मतलब विकास के जैसे विकसित होने में ही ये शामिल है वृद्धि होना, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सब शामिल होते हैं। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास एक निश्चित दिशा में होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का एक लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष पर बल देती है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों पर बल देती है। अभिवृद्धि को आप माप सकते हैं, जबकि विकास को आप नहीं नाप सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों इसकी अंतर। एक और पॉइंट देख लीजिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम चलेंगे इसकी क्रमागत अवस्थाओं पर। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो बहुत सारे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम में आप देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए माताजी भी पतली हैं और पिताजी भी पतले हैं, तो बहुत हद तक ये संभावना है कि जो उनके बच्चे भी होंगे वो पतले होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, संभवतः की बात है।
अगर माता जी भी हाइट की बहुत लंबी नहीं है या पिताजी भी नहीं है, तो बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का जो हाइट होगी वो भी समानता औसत होगी, ठीक है। तो उसके विकास में वंशानुक्रम भी क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। वातावरण दोस्तों, वातावरण, अब मान लीजिए वातावरण ऐसा है जैसे कि आप इंडिया के लोग औसतन जिस रूप में पाए जाते हैं, वहीं अगर यूरोप के लोग देखें तो वो ज़्यादा लंबे होते हैं, वहीं मान लीजिए चाइना की तरफ चले जाएं तो वो लोग संभवतः छोटे होते हैं। तो ये वातावरण पे डिपेंड करता है, आपकी जलवायु पे भी, आपके वातावरण पे डिपेंड करता है कि आपका विकास कैसा होगा। भोजन की बात करें दोस्तों, भोजन आप किस प्रकार का भोजन खाते हैं, किन कौन चीज़ों का भोजन खाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका विकास कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वसा वाली चीज़ों का, फैट वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके बॉडी में डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा, अगर उन चीज़ों का कम इस्तेमाल करते हैं तो डेवलपमेंट उससे। तो आपका भोजन भी एक कारक है जो आपके विकास को प्रभावित करता है। पारिवारिक स्थिति कैसा है भाई, ठीक है, आपका दिनचर्या कैसा है, दिनचर्या का मतलब आप खेल कूद में दौड़ने वाले हैं तो आपको डेवलपमेंट फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, और आप नहीं दौड़ने वाले हैं मतलब खेल कूद में तो फिजिकली क्या होंगे, उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो पारिवारिक स्थिति और दिनचर्या भी क्या करेगा, आपके विकास को प्रभावित करेगा। यहाँ तक हो गई बात विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जो पॉइंट देख रहे थे, आइए ज़रा उसको देख लेते हैं, वो क्या है, वो है मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं क्या है, डेवलपमेंट स्टेज क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आता है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास को 7 कालों में विभाजित किया, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको इस तरीके से बांटा था। रॉस ने कहा था कि जन्म से लेकर 2 साल तक की अवधि को कहा जाता है शैशवावस्था। कभी कभी जन्म से लेकर 3 भी लिखा रहता है यहाँ पे, तो उसमें डाउट मत करिएगा, जन्म से लेकर 3 भी कहा जाता है, तो शैशवावस्था में थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। जन्म से लेकर 3 साल की अवस्था को शैशवावस्था, 3 साल से लेकर 12 साल की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, और 12 से 18 को किशोरावस्था, और 18 के ऊपर वयस्क अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात अवस्थाओं के बारे में। अब सवाल इसे कन्फर्म दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ इन चारों में से किसी एक अवस्था की विशेषता लिखने के लिए आएगा, इस बात को लिख के रख लीजिए, आएगा तो आएगा। तो हम आइए देख लेते हैं, शैशवावस्था का मतलब भाई 0 से 3 साल कह लीजिए या 0 से 2 साल भी रूप मानते हैं, तो शैशवावस्था का मतलब, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। शैशवावस्था भावी जीवन की संरचना का आधारशिला है, भविष्य में बच्चे का कैसा जीवन होगा यह उसका आधार बताता है। व्यक्ति की अभिवृत्ति का विकास शैशवावस्था का निर्णायक महत्व होता है। गुडनेफ के शब्दों में व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 3.5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि बालक जीवन में उसका स्थान क्या होगा, ये किसने कहा था, एल्डर के मत से। ये हो गई बात शैशवावस्था की। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी पहली विशेषता भाई, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। जन्म के बाद दो सप्ताह तक शिशु अपनी बाहरी वातावरण के साथ पूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है। इस अवधि के अंतर्गत विकास की गति बहुत कम होती है, कब, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, लेकिन 2 सप्ताह के बाद क्या होता है, 2 सप्ताह के पश्चात इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज बढ़ जाती है, बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। इस अवधि में बालकों के संवेदी तथा मांसपेशियों कौशल का विकास होता है, उसके मसल्स का विकास होता है, उसके मांसपेशियों का विकास होता है, सुनने और देखने का विकास होता है, समझने का नहीं, क्योंकि शैशवावस्था में क्या ही समझेगा। 2 वर्ष तक बच्चे में पर्याप्त मात्रा में क्रियात्मक कौशल, जैसे क्रियात्मक 2 वर्ष के अंत तक उठ जाना या फिर मुड़ जाना या चलने, इस तरीके का विकास हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, परिणाम स्वरूप वो उठने, बैठने, खेलने, चलने जैसी क्रियाओं करना शुरू कर देता है स्टार्टिंग में। तो ये हो गए दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताएं, याद रख लीजिएगा दोस्तों, विशेषताएं पूछता है, अब एक विशेषता कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे कहूँ कि शिक्षा के संबंध में इस अवस्था का क्या योगदान है, तो इसमें बहुत हद तक शिक्षा नहीं होती, वो लोगों से अनुकरण करके ही सीखता है, लोगों से देख के सीखता है, वातावरण से ही सीखता है शैशवावस्था में 0 से 2 साल। अब बाल्यावस्था को 2 प्रकार से, बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 2 प्रकार के बाल्यावस्था होते हैं, 3 से 12, तो आपने देखा 3 से 12, तो 3 से लेकर 6 साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से लेकर 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 साल, और इसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं, यानी कि प्री स्कूल स्कूल से पहले का एज कहते हैं, इसे हम प्री गैंग स्टेज भी कहते हैं दोस्तों, मतलब इस अवस्था में गैंग के पहले की अवस्था है, प्री गैंग एज। अब आइए इसकी कुछ प्राथमिक बाल्यावस्था की बात करें, और मुझे लगता है कि बाल्यावस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था ही ज़्यादातर सवाल पूछता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्यावस्था होती है, इसमें बालक को की अभिरुचि खिलौने में अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है,
कोई बच्चा अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मतलब वो शिक्षक की तैयारी का समय है कि शिक्षक आप तैयारी कर लीजिए कि बच्चों को कैसे बढ़ाएं। बाल्यावस्था में बालकों की उत्सुकता अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बाल का अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है, देख के चलेंगे, जैसे मान लो कैसे दादाजी कैसे चल रहे हैं वैसे वो चलेगा, दादी जी कैसे चल रही हैं ऐसे वो चलेगा। उत्तर बाल्यावस्था में अब यहाँ से वो पढ़ाई शुरू कर देगा, यहाँ से वो गैंग में खेलना शुरू कर देगा, यहाँ से स्कूल में जाना शुरू कर देगा। तो इस अवस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, ठीक है, ट्रबल सम एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय थोड़ा सा उसको चोट लगना, सामान गिराना, चीज़ें तोड़ना इस एज में ज़्यादा करता है, बच्चों के साथ गैंग में ज़्यादा रह के खेलता है। तो 6 से 12 साल की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यह अवस्था बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में माता पिता शिक्षण को इसको ट्रबल सम एज कहते हैं, प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास होते हैं, इसमें बच्चों का ज़्यादा विकास होता है 6 से लेकर 12 साल में, ठीक है। यहाँ तक बात होगी उत्तर बाल्यावस्था की। अब 12 के बाद से कौन सा होगा, 12 के बाद होगा किशोरावस्था, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं देख ले। माता पिता द्वारा एक उत्पत्ति या उद्गमी अवस्था कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा जाता है, शुरू में यहीं से बच्चा पढ़ाना शुरू करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी लालित होता है, मतलब खेलना चाहता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है, मतलब क्रिएटिव काम करना, लेकिन मिट्टी लेके घर बना रहे हैं, खिलौने से लेके घर बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए उनके अंदर उत्सुकता ज़्यादा होती है। यह कोई बात उत्तर बाल्यावस्था की। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं किशोरावस्था की, ठीक है। किशोरावस्था में क्या क्या होता है भाई, किशोरावस्था में मतलब 12 साल के बाद से, या 12 साल से 13 साल से लेकर 18-19 साल तक, मतलब उसके बाद उसका मैच्योर एज हो जाता है। तो ये होगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों प्री एडोलसेंस एज, अर्ली एडोलसेंस और लेटर। इसमें दो चीज़ें होती है ना एडोलसेंस में, प्री एडोलसेंस और अर्ली एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। अब देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया, और अधिकतर शिक्षक को इस बात से सहमत होना है कि उन्हें शिक्षण कार्य में सबसे अधिक चुनौती इसी एज में मिलती है, ठीक है। किशोरावस्था की उम्र लगभग 13 वर्ष से प्रारंभ होती है, 19 से 20 साल तक होती है। इस तरह इस अवधि को तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर और दोनों सम्मिलित होती हैं। इसमें प्रारंभिक किशोरावस्था भी, उत्तर किशोरावस्था भी, दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। किशोरावस्था में चुनौतियाँ देख लीजिए, इसमें विशेषताएँ देख लीजिए दोस्तों। एडोलेसेंस की बात करें, टीनेज की बात करें, किशोरावस्था में विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या भाई, किशोरावस्था को एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। किशोरावस्था में परिवर्तित अवस्था होती है, बच्चे के अंदर चेंजेस ज़्यादा आते हैं, फिजिकली चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के। किशोरावस्था एक अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति होती है, बच्चा मतलब श्योर नहीं होता उसको फ्यूचर में क्या करना है। उसको जैसे मान लीजिए आपने बायो के बारे में समझा दिया, बायो के बारे में इंटरेस्ट हो गया, मैथ के बारे में समझा दिया, मैथ के बारे में, क्रिकेट खेलने लगा तो क्रिकेट ज़्यादा पसंद आने लगा, वॉलीबॉल खेलने लगा तो वॉलीबॉल ज़्यादा पसंद, थोड़ी सी अस्पष्ट की स्थिति होती है। किशोरावस्था एक समस्या का उम्र होता है। किशोरावस्था में विशिष्टता की खोज का समय होता है। किशोरावस्था अवास्तविकताओं का समय होता है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है, बड़ा बनने की दहलीज होती है। यहाँ से वो बच्चा बड़ा बनने लगता है, वयस्क होने की दहलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों इसकी विकास की अवस्थाओं के बारे में, और यहाँ पर आपने वृद्धि और विकास ऑलरेडी देख लिया है। एक बार रिवीजन कर लें क्या कि हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे शुरू कहाँ से किया, शिक्षा मनोविज्ञान से किया, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था अधिगम को, ठीक है, अधिगम को देखा था, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषा, अधिगम को हमने यहाँ पे देखा था। चलिए, उसके बाद आपने क्या देखा था, उसके बाद आपने अभिप्रेरणा देखा था, मोटिवेशन देखा था। एक बार रिवीजन करते चलिए, ये देखिए इसमें लिख सकते हैं कितना, अभिप्रेरणा को आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने व्यक्तित्व देखा, व्यक्तित्व के बाद आपने विकास, वृद्धि और विकास में अंतर देखा, वृद्धि और विकास देखा, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं देखी। अगर आपने इतना देख लिया, अगर आपको ये लगता है कि इन सारे पॉइंट्स से आप कुछ ना कुछ जरूर लिख लेंगे, तो यकीन मानिए आपने लगभग 70% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। अगर अब तक सच में आपको लगता है कि इन सारे पॉइंट से अगर आपको कुछ मिलता है, जब आप एग्ज़ाम में आपको दिखेगा ना, आप देखिएगा जब आप प्रश्न पे पढ़ने के बाद कलम उठाएंगे, भले आपको इस बात का एहसास है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप कलम उठाएंगे ना, आपकी सोच वहाँ पे विकसित होगी, वहाँ पे खुलेगी, और आपने जो समझा है, जो सुना है ना, बस छाप दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बस एक रिवीजन की तरफ से चलना है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया दोस्तों, आप यकीन मानिए आपने लगभग, दोस्तों आपने लगभग क्या किया, लगभग आपने 70% 80% कवरअप कर लिया। बचे जो रिमेनिंग 20% पढ़ते ना, आइए इसी वीडियो में उसको आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं बहुत इजी पॉइंट होंगे, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, बस उसको एक बार देखते हुए चलेंगे ना, ध्यान में आ जाएगा और बस एग्जाम में लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान पॉइंट आने वाले हैं। आइए जरा उसको देखते हैं।
इससे स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कई बार आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, 5 के 5 बार ये सवाल पूछे जाते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान से सवाल आपको आएगा ही आएगा, अधिगम से एक सवाल आएगा ही आएगा, अभिप्रेरणा से एक सवाल आएगा ही आएगा, और जीन पियाजे से कन्फर्म दोस्तों आएगा ही आएगा। जीन पियाजे से सवाल आएगा तो आएगा तो आएगा। इसको समझ जाइए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है। वास्तव में जीन पियाजे जो थे वो एक स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे। उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, उन बच्चों पर देखा कि उनके बच्चे के संज्ञान का विकास कैसे होता है, उनकी सोच और समझ का विकास कैसे होता है। तो उन्होंने यह पाया दोस्तों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में यह पाया कि जो बच्चों का विकास होता है ना वो अवस्थाओं के अंतर्गत होता है, मतलब चरण में होता है, उनकी जन्म के साथ उम्र के साथ अवस्थाओं में होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई। संवेदी पोषी अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, जो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से अधिक, कहीं कहीं यहाँ 7 से 12 भी लिख देता है या 12 से अधिक लिखता है, तो मतलब बात वही है। इन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी। अब इन्होंने ये कहा कि संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 साल में बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने इंद्रियों से ज्ञान हासिल करता है, मतलब देख के सुन के महसूस करके इसी से वो ज्ञान हासिल करता है। इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है, देख सुन छूना बोलना और प्राप्त करना, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है, इसके माध्यम से उसके संज्ञान का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे की इंद्रियों और गति के उपयोग शुरू होते हैं। वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। वस्तु अस्थायित्व का विकास का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को ये पेंसिल दिखाया, उसे ये समझ में लगा और फिर मैंने उसके सामने से पेंसिल हटा दिया, तो वो पेंसिल की तरफ देखेगा, मतलब समझने की, तो वो समझेगा कि हाँ ये कोई वस्तु है, वो वस्तु समझने की कोशिश कर देगा, ठीक है। ये हो गई बात, ये उसके वस्तु अस्थायित्व। जैसे मान लीजिए उसको ये पेंसिल पसंद है, मैंने उसको दिखा दिया और हटा दिया, तो फिर वो रोने लगा, फिर उस पेंसिल की जगह मैंने कोई दूसरी चीज़ दे दी तो वो चुप नहीं होता है, वो यही चीज़ चाहिए उसको, इस तरीके से वो वस्तुओं को पहचानने लगा। ये कब हो जाता है, 0 से 2 साल के अंतर्गत, शुरू में तो नहीं होता लेकिन 2 साल के अंत तक आते आते ये चीज़ें हो जाती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 साल, 2 से 7 साल में इसमें क्या करता है, इसमें वो चित्र और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करना सीख, यहाँ पे क्या करता है, भाषा का उपयोग करना सीख जाता है। जैसे 2 से 7 साल के मतलब उसको खाना चाहिए तो कुछ बोलेगा, खाना नहीं बोलेगा लेकिन कुछ तो बोलेगा, भाषा का इस्तेमाल करेगा। 7 वर्ष के अंत तक आते थे वो खाना शुद्ध रूप से बोलना सीख जाएगा, लेकिन यहाँ वो क्या करेगा, वो भाषा का उपयोग करेगा, उसको कुछ चाहिए तो, इससे पहले कुछ चाहिए तो भूख लगी तो रोने लगेगा, उसको कहीं कुछ जल रहा है तो भी रोने लगेगा, कुछ भी हो रोने लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो भाषा को बोलेगा, मतलब बोलेगा कि मुझे भूख लगी, कुछ भी शुरू कर देगा। किसी एकल सुविधा द्वारा वस्तुओं का वर्गीकृत करता है, ठीक है। सोच अहंकेंद्रित, अहंकेंद्रित का मतलब क्या होता है ना, वो खुद के बारे में, दूसरे को ओपिनियन नहीं समझेगा। जैसे मान लीजिए मम्मी बाजार जा रही है तो वो कह देगा या कह देगी कि मुझे बाजार जाना है 2 से 7 साल तक, तो मतलब जाना है तो जाना है, उसे नहीं पता कि बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रही है, नहीं जाना है। अब आपको भी बारिश में मम्मी बाजार क्यों जा रही है, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर बाहर कोई मजबूरी है, जैसे एक स्कूटी पे जगह नहीं है या गाड़ी में जगह नहीं है, तो भाई तुम घर पे रहो, भैया दीदी के साथ खेलो, नहीं खेलेगा, वो कह देगा जाना है तो जाना है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है, प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से ये बात हुई पूर्व संज्ञा। तो ये उसकी कुछ क्वालिटी है, और आपसे सवाल पूछे तो इसी तरीके से आपको लिख दे रहा है, ठीक है। तो लिखना क्या, अगर आपके घर में छोटे कजन्स हो, भाई बहन हो, भतीजे हो, भांजी हो, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसे व्यवहार करेगा, तो उसकी जो क्वालिटीज है उसको आपको बस लिखते हुए चल देना है। साथ ही साथ आपको ये वाला याद रखना है कि इसको क्या, पूर्व सबसे पहले को संवेदी गामक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब ये होता है कि जो मूर्त की चीज़ें होती हैं उसको बच्चा देखने लगता है, उसको बच्चा समझने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ जो उसको दिखाई दे रही है वो चीज़ यहाँ पे समझ लगता है, मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है, मूर्त अंकगणित संचालन करने लगता है, ये चीज़ें वो समझ। जैसे मान लीजिए मैं उससे कह दूं कि ये पेंसिल है, या पेंसिल इस मोबाइल से छोटी है, ठीक है, जैसे इस पेंसिल से बड़ी ये मोबाइल है और इस मोबाइल से बड़ी ये बॉटल है, तो ये बॉटल इस पेंसिल से बड़ी होगी, वो देख के कह देगा हाँ बड़ी होगी। लेकिन वही हम अमूर्त चीज़ दे दें, जैसे मैं कह दूं एक्स वाई से बड़ा है और वाई एक्स 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 जेड एक्स से बड़ा वाई है, वाई से बड़ा जेड है,
एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा जेड, तो क्या जेड एक्स से बड़ा होगा वो सोचने लगा क्या एक्स जेड कर रहा है, तो अमूर्त चीजों को नहीं सोच पाएगा, लेकिन देख जो चीजें मूर्त रूप में उसको वो देख के समझ जाएगा। संख्या, आयु, क्षय, वर्तमान, द्रव्यमान, वजन, स्थिरता प्राप्त, हैडी प्रचलन सोच को विकसित कर लेता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को, संख्याओं के बारे में जानना, संकेतों के बारे में जानना शुरू कर देता है, वजन के बारे में जानना शुरू कर देता है, इस तरीके से वहाँ पे समझना शुरू करता है मूर्त संज्ञात्मक के अंदर। अमूर्त का मतलब, अमूर्त मतलब ये परिपक्व अवस्था होती है, यहाँ पे वो कल्पना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा, अमूर्त चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा, नैतिक तर्क के लिए सोचना शुरू कर देगा, वैचारिक समस्याएं, चिंतन, अमूर्त अवधारणा विकसित हो जाती हैं, इस तरीके से वो सारे इसके काम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई बात अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था की। इसी तरीके से मतलब इस अवस्था में जो भी उसकी विशेषताएं आपको लिखते हुए आगे बढ़ जाना है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है संज्ञात्मक विकास के बारे में लिख देना है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिन प्याजे ने, तो क्या कहा था इन्होंने, कहा था कि संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में क्या कहा था इन्होंने, कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों, उसका वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसकी खोज करने की शक्ति न तो बालक के परिपक्वता स्तर ना ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा ये निर्धारित। किसी बच्चे की मानसिक जो होती है वो उसके ना केवल मेच्योरिटी पे उम्र के साथ होती है, ना ही उसके केवल वातावरण के साथ होती है, जबकि ये दोनों के मिश्रण के साथ होती है, उन्होंने कहा था। और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, उसको देख लेते हैं। पहला है अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत का मतलब बच्चा क्या करता है भाई, वातावरण को देखेगा, उसको नकल करेगा, बच्चा अनुकूलन से सीखता है। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण का मतलब कि वह बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामान्य स्थापित करने हेतु पूर्व से सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्व से सीखी गई क्रियाओं का क्या करता है सहारा लेता है, ये इसका मतलब होता है आत्मसातकरण। अनुकूलन का मतलब नकल करना। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है समायोजन। समायोजन का मतलब नए ज्ञान को शामिल कर लेना। ठीक है, समायोजन के अंतर्गत सीखी गई क्रियाएं काम में नहीं आती, बल्कि इसमें बालक अपनी योजनाएं, व्यवहार परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ जो पहले से सीखी अगर वो काम, तो नया ज्ञान उसको सीख लेता है। साम्य धारण का मतलब इस प्रकार अनुकूलन से मिलता जुलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण संप्रदाय बालक के आत्मसातकरण का नियोजन, जो उसने सीखा है, जो पहले से सीखा है, इसका एक समंजय स्थापित करता है। ये बात हो गई इसके साम्य धारण की बात। तो दोस्तों यहाँ तक जीन पियाजे के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा लिखिए कि ये मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये बताया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास क्रमिक अवस्थाओं में होते हैं, जिन अवस्थाओं को उन्होंने चार भागों को इस तरीके से बांटा, और उसके बाद 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर कैसी सीखने की गुण होते हैं, कैसे वह सीखता है, क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं, उसके कुछ पॉइंट आउट करिए। फिर 2 से 7 साल में क्या उसकी विशेषताएँ, उसको पॉइंट आउट करिए। 7 से 11 और 7 से 12 में क्या होती है, इसको पॉइंट आउट करिए। बस यहीं तक काफ़ी है। अगर आपको मन करे तो आप इस चीज़ों को लिख दीजिएगा कि अनुकूलन करके सीखता है, आत्मसातकरण करके सीखता है, समायोजन और साम्यधारण। अगर आपको समय बचता है तो लिख दीजिएगा, वरना शॉर्ट में उतना पॉइंट काफ़ी था। अब आइए कुछ और पॉइंट को देखेंगे हम। यहाँ से जो पॉइंट आता है दोस्तों, शॉर्ट पॉइंट रहेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेंगे, आसान से पॉइंट रहेंगे, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, कोई बच्चा मेंटली फिट है इससे आप क्या समझते हैं। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति के संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि जब व्यक्ति किसी भी तरह के मानसिक बीमारी से मुक्त होता है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो मेंटली, तो हम उसे मानसिक स्वास्थ्य के रूप में समझते हैं। ठीक है, उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य का संज्ञान दिया जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, कोई बच्चा मानसिक स्वास्थ्य का भैया, जब उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं है तो वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। अच्छा, इसको देखिए परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त समायोजन करने की क्षमता। जैसे जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो क्या करते हैं ना, मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ समायोजन नहीं कर पाते, मतलब वो कहीं मतलब गिरे पड़े रहते हैं या फिर एक कमरे में बंद रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, वो मतलब मेंटल होते हैं। तो वास्तव में मानसिक संतुलन का मतलब, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब दोस्तों, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, खुशी में खुश होना, गम में दुख होना, समाज के साथ रहना, त्यौहार मनाना, समझना चीज़ों को, ये क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो यही है दोस्तों, कि समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखना। तो इसी के लिए हेल्पफील्ड ने कहा था,
साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है, कैसे वो कार्य करता है। मानसिक, अच्छा यहाँ से बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण सवाल पूछ लेते हैं। कोई बच्चा अगर मेंटली फिट हो तो उसके कुछ लक्षण, तो भैया पहला है कि आत्मसम्मान की भावना होगी। आत्मसम्मान मतलब उसको समझ में आएगा कि कहाँ सोना है, कहीं रोड पे गिर गया, नाली में सोया पड़ा है, तो मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। विचार करने की पूर्ण सोच सकता है, बुद्धि विवेक से निर्णय ले सकता है, धैर्य उत्साह बना रहता है, अपनी कमियों के ज्ञान तथा स्वीकृति करता है, मतलब मानता है कि हाँ भाई हम इंसान हैं, हमारे अंदर कोई कमी है। अपनी योग शक्ति और योग्यता का सही ज्ञान, हमारी शक्ति है हमें ज्ञान है, अब ये है कि हमारी इतनी शक्ति नहीं और हम जाके दीवार में सर मार रहे हैं, तो इसका मतलब मैं मेंटली सही नहीं हूँ। दूसरों के प्रति सम्मान, श्रद्धा का भाव, अनुभव किसे सीखने की क्षमता, मन में सदैव प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव करना, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। मानसिक स्वास्थ्य के आप क्या कर सकते, लक्षण है, कोई व्यक्ति ये करता है तो मानसिक स्वास्थ्य है। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मेंटली प्रभावित करने वाला कारक, उसकी अनुवांशिकता हो गई, गर्भावस्था संबंधित पहलू हो गए कि जब वो बच्चा गर्भ में था तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, मानसिक या रासायनिक संतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात या सामाजिक कारण, ये वो चीज़ें हैं जो किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। समाज मान लीजिए इतना बेहतरीन समाज है ना, आपका दिमाग ही बेहतर कर देगा, ठीक है, सर पे कोई चोट लग गया इससे भी प्रभावित होता है, पारिवारिक वाद विवाद से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मानसिक आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला पॉइंट आता है समायोजन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। अभी आपने देखा ना मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समाज के साथ समायोजन, अब आइए देखते हैं कि समायोजन का मतलब क्या होता है। तो समायोजन दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आयोजन। सम का मतलब होता है भली भांति या अच्छी तरह से और समान रूप से, और सम आयोजन का मतलब होता है कि व्यवस्था करना, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था करना समायोजन का मतलब होता है। समायोजन का अर्थ हुआ कि सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों के अनुकूल बनने की प्रक्रिया, जिससे व्यक्ति आवश्यकताएं पूरी हो जाए और मानसिक द्वंद्व न उत्पन्न हो। तो समायोजन का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरीके से आपका संबंध स्थापित हो जाना, अच्छी तरीके से अनुकूल बन जाना, उसके साथ रहना सीख जाना, समाज के साथ समायोजन मतलब समाज के प्रति के साथ रहना, परिवार के साथ समायोजन मतलब परिवार के साथ रहना, अच्छी तरीके से साथ रहना समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है भाई, समायोजन का अर्थ हुआ कि सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों के अनुकूल बनने की प्रक्रिया, ठीक है, ये बात हो गई समायोजन की। समायोजन की परिभाषा देख लीजिए, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। मेरी हमारी आवश्यकता क्या है भाई, हमारी आवश्यकताएँ हैं और उस आवश्यकता को प्राप्त जहाँ से हम चीज कर सकते हैं उनके बीच एक संतुलन बनाए रखना, ये कहलाता है समायोजन कहलाता है। अब आइए, गेट्स ने क्या कहा था, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार को परिवर्तन करता है। ये हो गई बात समायोजन। दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि सवाल आपसे अक्सर पूछेंगे, जैसे सुसमायोजित मतलब अच्छे व्यक्ति के लक्षण, जो समाज के साथ अच्छे से संबंध स्थापित कर लेता है उसको सुसमायोजित करते हैं, सही से समायोजित करने के कुछ लक्षण होते हैं, वो क्या है भाई, सुसमायोजित व्यक्ति पर्यावरण और परिस्थितियों, ज्ञान और नियंत्रण रखने वाले, उन तथा उन्हीं के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। जो सुसमायोजित करने वाला व्यक्ति होता है वो पर्यावरण या परिस्थितियों के अनुसार ही क्या करता है, नकल करता है, अपना व्यवहार रखता है, अपना आचरण रखता है, वो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है, वो अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छा के अनुसार पर्यावरण वस्तुओं का लाभ उठाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य लोगों को बाधा नहीं पहुंचाता, साधारण परिस्थिति में भी संतुष्ट और खुश रहता है, सामाजिकता की भावना से युक्त अर्थात चरित्र वाला, संवेगात्मक रूप से संतुलित उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाला होता है। सुसमायोजित मतलब एक व्यक्ति अच्छे से जो समायोजित कर सकता है, ये उसके क्या है भाई, लक्षण है। अब भाई वह स्पष्ट उद्देश्य वाला और साहसपूर्ण व ठीक ढंग से कठिनाइयों तथा समस्याओं का सामना करने वाला होता है। ये बात हो गई सुसमायोजित मतलब जो अच्छे से समायोजित कर सके उसके लक्षण। कुछ समायोजित का मतलब जो समाज के साथ अपने आप को स्थापित ना कर पाए उसके क्या लक्षण है भाई, तो कुछ समायोजित जो होते हैं दोस्तों वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं संबंध स्थापित कर पाते, वो उनका वो अनिश्चित मन वाले होते हैं, अस्थिर मन और बुद्धि होता है दोस्तों, बहुत गुस्से वाले होते हैं, असंतुलित होते हैं,
उनकी भाषा सही नहीं होती, बदलने की भावना होती है, तो ये बच्चे कौन से? कुसमायोजित वाले। वह असामाजिक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है, खुद से दुख रहते हैं। वो साधारण सी बाधा एवं समस्या उत्पन्न करने पर मानसिक संतुलन खो देते हैं। स्नायु रोगों से पीड़ित होते हैं, मानसिक द्वंद, मतलब दिमाग में कुछ चलता रहता है, कब छोटी सोचते, तो ये तरीके लोग कौन से होते हैं? सुकुसमायोजित, ये व्यक्ति के लक्षण होते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे सवाल आपसे पूछ, जैसे प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, एक उसमें से एक उदाहरण है। तो प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिभाशाली बालक वो बच्चे जो सामान्य बच्चों से उनकी IQ लेवल अच्छी हो, सामान्य बच्चों से सोचने की क्षमता अच्छी हो, सामान्य बच्चों से उनकी कार्य करने की क्षमता अधिक हो। तो प्रतिभाशाली बालक से सभी बातों को श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। ये बालक की बुद्धि लब्धि IQ उच्च वाले होते हैं और यह 120 से ऊपर होती है। कुछ लोगों ने 130 से ऊपर माना है, लेकिन सामान्यतः 120 से ऊपर होता है। वे बालक एक साधारण बालक से बहुत अधिक योग्य होते हैं। जो कार्य इन्हें दिया जाता है वो शीघ्र पूरा कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं भाई, वो कार्य को सफलता के साथ करते हैं और एक विशेष क्षेत्र में सफलतापूर्वक करते हैं। तो प्रतिभाशाली कौन से बालक होते हैं? जो कार्य को आसानी से कर ले, जल्दी से कर ले, उनका IQ लेवल अच्छा होता है, वो सुनने में अच्छे होते हैं, वो सोचने में अच्छे होते हैं, कार्य करने में अच्छे होते हैं, याद करने में, स्मरण करने में, तर्क करने में, इन सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, जिसे अधिसामान्य बालक भी कहते हैं। अधिसामान्य भी कहते हैं। यह वे बालक होते हैं जिनका बुद्धि क्षमता सर्वश्रेष्ठ होता है। इनकी बुद्धि लब्धांक सामान्य बालकों से अधिक होती है। वे ज्ञान कर ग्रहण करने में श्रेष्ठ होते हैं भाई। ये उच्च योग्यता होते हैं, परीक्षा में अधिक अंक लाकर सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति इनकी बेहतर होती है। तर्क शक्ति, लॉजिकल बात करने की शक्ति अधिक होती है। स्मरण, याद करने की शक्ति अधिक होती है। शक्ति समसूझ और समझ की शक्ति अच्छी होती है। इनका ध्यान विस्तार अधिक होता है तथा ध्यान केंद्रित हो सकता है, एक साथ कई चीज़ों को सोच सकते हैं ध्यान। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई एक प्रतिभाशाली बालक के गुण और विशेषताएं, और प्रतिभाशाली कैसे किसके। कुछ स्पेसिफिक अगर आप विशेषताओं की बात करें कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे करेंगे, तो फिर से वही बात दोस्तों, इनकी शारीरिक विकास तीव्र होती है। वे शारीरिक गठन जल्दी चलना सीख जाते हैं, ये भी हो सकते हैं भाई प्रतिभाशाली बालक। वे विकास शीघ्र तथा किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र उत्पन्न होने लगता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा उत्तम समायोजन, व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, लोग बार कहते हैं वाह क्या बच्चा है। समायोजन का मतलब वो जल्दी समाज के साथ अनुकूलन कर लेते हैं, जल्दी समाज के साथ खुद को स्थापित कर लेते हैं। वो आत्मविश्वासी होते हैं, वो दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं वो, और जो सहनशीलता, क्रिएटिव और हेल्पफुल नेचर होता है, ये सारे एक प्रतिभाशाली, एक टैलेंटेड बच्चे की क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएँ, आप चाहे पहचान भी कह सकते हैं। ये विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, तर्क करना, स्मरण करना, इनकी योग्यता उसकी अच्छी होती है। सीखे शीघ्र सीखना, समझना, उच्च बुद्धिलब्धि तथा कल्पना शक्ति इनकी अच्छी होती है। अमूर्त प्रत्यय को जल्दी समझ जाते हैं, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे प्रेम हो गया, ये सारी चीज़ें। रुचि में व्यापकता होती है, कम समय में अधिक सीख जाते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं और सामान्य ज्ञान बहुत अधिक होता है। तो ये बात हो गई प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान की या प्रतिभाशाली बच्चों के गुण की। उसके अलावा और भी यहाँ पे गुण है, लेकिन इतना ही काफ़ी है, जितना समझ में आए आपको लिख लेना है। अब एक और बात आता है सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है, और क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों क्रिएटिव सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्रिएटिव कहते हैं, और सृजनात्मकता का अर्थ होता है उत्पन्न या रचना, उत्पन्न या रचना संबंधी योग्यता। तो नए नए, जैसे क्रिएटिव बच्चे को जो नए नए काम करते रहते हैं, तो नवीन क्रियाओं एवं नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति या नवीन खोज की शक्ति, अर्थात किसी के पीछे ना चलकर एक नई राह बनाने की सोच सृजनात्मकता कहलाता है। कुछ क्रिएट करना दोस्तों, क्रिएटिविटी का मतलब कुछ क्रिएट करना, नया बनाना, कुछ अच्छा उत्पादन करना, बनाना, ये दोस्तों क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है। क्रिएटिविटी एक परिभाषा देख लेंगे हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन है, जैसा मैंने बताया क्रिएटिविटी बाई सृजनात्मकता क्या है, नवीन रचना या उत्पादन है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने और विचार करने के लिए समर्थ बनाता है। तो ये बात हो गई क्रिएटिविटी की, समझ में आ रही है ना भाई। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएट करना किसी चीज़ को, कोई नई चीज़ की रचना करना या उत्पाद करना, बस इसमें कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी
क्रिएटिव बालक की सृजनशील बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, कौन कौन सी? वो दोस्तों जैसे टैलेंटेड में होती है ऐसे इसमें भी होती है। इनकी मौलिकता पाई जाती है, अर्थात इन बालकों में कल्पना और चिंतन की क्षमता बहुत अधिक होती है, तभी तो क्रिएट करेंगे। क्रिएटिव बालक की बुद्धि लब्धि भी अच्छी ऊँची होती है, वे बालक को विषय की सरलता को समझते हैं। क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं दोस्तों, बालक की कार्य सूझ के साथ करते हैं, समझ के करते हैं, और क्रिएटिव जो बालक है क्रियाशील अधिक होते हैं। वे बालक हमेशा किसी न किसी कार्य में लगते हैं, वो एक्टिविटी वाले काम ज़्यादा करते हैं। ठीक, सृजनात्मकता के गुण मतलब क्रिएटिविटी के गुण, इसमें एक नई तत्व का समावेश होता है, हमेशा नई चीज़ करने की बात की जाती है। यह एक योग्यता है, इसके द्वारा व्यक्ति में प्रतिभा का विकास होता है। जिस कार्य में यह पाई जाती है वह समाज के लिए हितकारी होती है। यह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर, कोई क्रिएटिव में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, क्रिएटिव में कोई ऐसा करते हैं जिससे समाज का नाश हो जाए। यह किसी कार्य को नई दिशा प्रदान करती है। कैसे पता करें कोई बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं? तो जो व्यक्ति किसी के मन एवं किसी व्यक्ति को समझ पाने की समूह, वो क्रिएटिव होता है। मतलब जो नई चीज़ कुछ कर ले, किसी को समझ जाए, तो क्रिएटिव बच्चा यहाँ से आप कह सकते हैं। जिसके व्यक्ति में लचीलापन होता है, अर्थात जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढाल सके, ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की IQ लेवल अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों की सोचने की क्षमता अच्छी होती है, ये जिज्ञासा अधिक होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, वे वास्तविकता में व्यवहारिक होते हैं और वास्तविक होते हैं। यह बालक दूरदर्शी होते हैं, मतलब बहुत आगे की सोचते हैं, और उनके सौंदर्यात्मक कौशल का उच्च स्तर होता है दोस्तों, कार्य करने का कौशल। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है भाई? जिनकी कल्पना शक्ति अच्छी हो, जिज्ञासा अधिक हो, क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, काम करने के लिए उत्सुक होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्रिएटिव बच्चे कहते हैं। दिस इज गोना बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वो है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है भाई? एक दूसरे से व्यक्ति विभिन्न हो सकता है। जैसे एक दो भाई हैं, एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, एक को डांस पसंद है और एक को सिंगिंग पसंद है, एक को डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, एक को क्रिकेट पसंद है, एक को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये दो जुड़वा भाइयों में भी हो सकता है, दो अलग अलग लोगों में भी हो सकता है। तो क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्यक्ति विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, तो लिख दीजिए। आज व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत मनुष्य के वे सभी पहलू आ जाते हैं जो किसी प्रकार से मापे जा सकते हैं। इन सब पहलुओं में विकास तथा सीखने की गति में अंतर, आनुवांशिकता एवं वातावरण का अंतर, व्यक्तित्व स्वभाव एवं योग्यता आदि अंतर होते हैं, आया होते हैं या पाए। उदाहरण स्वरूप, दो भाइयों में एक को पढ़ना अच्छा होता है, दूसरा खेल में अच्छा होता है। तो ये क्या भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्लासरूम में पढ़ने वाले सभी बालक एक समान नहीं होते, सभी के अंतर व्यक्तिगत विशेषता होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यही भिन्नता दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। इसके स्वरूप क्या होंगे भाई? एक बच्चा दूसरे बच्चे से कितने स्वरूपों में, कितने रूपों में, कितने प्रकार से विभेद हो सकता है, अलग हो सकता है? तो शारीरिक रूप से अलग हो सकता है, मानसिक रूप से अलग हो सकता है, सोच संवेगात्मक मतलब भाव में, कोई बच्चा जल्दी रो देता है, कोई बच्चा नहीं रोता है, रुचि में किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, व्यवचार में उसके विचारों में अंतर होता है, सीखने व करने में अंतर होता है, चरित्र एवं अन्य विशिष्ट योग्यताओं में होता है, व्यक्तित्व में भेद होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों, एक लोग बड़े नम्र विनम्र स्वभाव के होते हैं, एक लोग बड़े ईगो या प्राउड फील प्राइड वाले बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व में भी भेद होता है। तो ये वो स्वरूप हो गए, जिस स्वरूप के आधार पर बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। इसके कुछ कारण देख लीजिए, कारण देखने के बाद ये वीडियो समाप्त होगी। कारण ये दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है? वंशानुक्रम हो सकता है भैया, हो सकता है कि माता पिता के ऐसे गुण के कारण विभिन्नता हो, वातावरण के कारण विभिन्नता हो सकती है, बुद्धि एवं आयु, ठीक है, उसकी बुद्धि की विकास कितनी हुई है, किस उम्र में है, इसके अंदर भी विभिन्नता हो सकती है, उसके लिंग के आधार पर कि वो किस वर्ग में होता है, तो इसके अंदर भी विभिन्नता हो सकती है, आर्थिक दशा, ठीक, शिक्षा व्यवस्था, जाति प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, तो इस तरीके से। अब एक चीज़ आप कह सकते हैं कि सर, जैसे किसी का लिंग, मतलब किसी को स्त्री है या पुरुष है, कोई बालक या बालिका, इस आधार पर कैसे विभेद हो सकता है? तो इस आधार पर ऐसे हो सकता है कि जैसे मोस्टली आप देखेंगे तो जहाँ तक हमने देखा है, विनम्रता की बात की जाए तो बालिकाओं में ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा विनम्र होते हैं, ठीक, ब्लड देख लें या फिर कुछ और देख लें तो उनको जल्दी घबराहट हो जाती है, हालांकि बालकों के अंदर इस चीज़ में कमी पाई जाती है। तो इस आधार पर भी थोड़ी सी विभिन्नता हो सकती है, ठीक।
इससे तो इस आधार पे हो सकती है, मतलब कारण बताइए जिसके हो सकते हैं नॉर्मली। तो ये हो गई बात, वो सारे कारण। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट था, तीन और पॉइंट रह रहे हैं। तीन पॉइंट में क्या, अधिगम के कुछ सिद्धांत, द थियरीज ऑफ लर्निंग, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत, दो तीन सिद्धांत है ना। तो इसको इस वीडियो में, उनको अलग वीडियो में जो बनाया गया उसी वीडियो को देख लीजिएगा। तीन सिद्धांत अब ये रह गए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, वो है अधिगम का सिद्धांत में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोलबर्ग, इस सिद्धांत रह गए, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब आइए एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर लूँ, फिर हम बातें कर रहे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि यह वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये था कि एक बार आप सारे क्वेश्चन से होके चले जाए, समझ में आ जाए कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शब्द ज्ञान हो जाए, थोड़े से पॉइंट और हेडिंग समझ में आ जाए, एग्जाम में जाने के बाद आपको क्या करना है वही सी पॉइंट और हेडिंग के आधार पर लिखना है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान से सवाल हमेशा आता है, अधिगम से सवाल आपको हमेशा आता है, जी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से सवाल आपको हमेशा आता है। ये जो आपने पढ़ा, चाहे प्रतिभाशाली हो गए, चाहे क्रिएटिव बच्चे हो गए, किसी एक की विशेषताओं के बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा। तीन जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस अवस्था में कैसी पढ़ाई रखनी चाहिए, इससे सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। बाकी व्यक्तित्व हो गए, ये वो सारे पॉइंट ना जरूर आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो उसी पॉइंट्स को इस वीडियो में रखा गया था। मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार एक स्थान पे, एक जगह पे इन सारे वीडियोस के देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये चीज़ें पढ़नी है। अब आपको क्या करना है, बस आपने देख लिया, ज़रूरी नहीं है कि याद रहे, आपको याद कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा सिलेबस है इस और इस थियरी सब्जेक्ट को कोई याद कर ही नहीं सकता। पूरे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे कुछ याद नहीं है, इट्स ओके, कोई याद, जैसे मुझसे भी कोई पूछिए एज इट इज़ तो मुझे याद नहीं, लेकिन लिख सकते हैं, चीज़ें समझ में आई। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, मनोविज्ञान के संप्रत्ययों का शिक्षा में इस्तेमाल है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा वो कारक है, वो प्रक्रिया है जो कोई कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता हो, जो कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, कोई कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित करता हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व एक वह स्वाभाविक गुण है जो ये दिखाता है कि अपने पसंद के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार हम समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको बना के लिखना है, जो चीज़ें आप समझ गए उसको बना के लिखना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप कन्फर्म डेफिनेटली आप इस चीज़ को लिख पाए, बिल्कुल। तो समझ में आ गया वीडियो, कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट में बताइएगा, लाइक करते चलिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जो तीन पॉइंट रह रहे हैं, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव के क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये सिद्धांतों को का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और इस तरीके से ये पूरा आपका समाप्त हुआ, देखते हुए चलेगा, समझते हुए चलेगा, एग्जाम में आपको यही सब मिलने वाले हैं, और आप सब मस्ती से करके आइएगा, अच्छे से लिख के आइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, खुश रहिए जीवन में, चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में फिर आते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।